हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम पॉलिटिकल क्राइसिस इन यूनाइटेड किंगडम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम पॉलिटिकल क्राइसिस का नाम सुनते हैं, वो भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक आदमी की इमेज क्रिएट होती है, तो वो है बोरिस जॉनसन। अगर आपके भी दिमाग में बोरिस जॉनसन का ही नाम आता है तो आप बिल्कुल ठीक है। अभी पीछे दिनों खबरें आप सबको पता ही होगा कि आई थी कि बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दी है और अभी वो उस पोस्ट को होल्ड करेंगे या उसी पोस्ट पर वो रहेंगे जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ना हो जाए, उनकी पार्टी जो है कोई नया कैंडिडेट ना खड़ा कर दे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि पहली बात तो बोरिस जॉनसन है कौन, मतलब उनका थोड़ा इतिहास समझ लेंगे, क्या उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में किया था, क्या उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, प्लस क्या वो रीजंस थे जिनकी वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ गया, अपनी रेजिग्नेशन देनी पड़ गई, और लास्ट में क्या आप खबरें हमें आती हुई नजर आ रही है यूनाइटेड किंगडम से, मतलब अब आगे क्या फ्यूचर है यूके का पॉलिटिकल हवाले से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बोरिस जॉनसन एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड मेंबर है कंजर्वेटिव पार्टी के, जिसका ऑफिशियल नाम कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी है। इन्होंने एज मेयर ऑफ लंदन एंड फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी सर्व किया हुआ है बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 2019। ये एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है। वैसे तो ये न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं, लेकिन बचपन में ही जब ये छोटे थे तभी इनकी फैमिली शिफ्ट होकर इंग्लैंड में आकर सेटल हो गई। इनिशियली 1987 में इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काम करना स्टार्ट किया, तो जो इनकी पहली जॉब थी वो थी द टाइम्स में, जो कि एक बहुत ही पुराना और एक इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर है, उसके लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने एक कोटेशन बनाया था जिसकी वजह से इनकी वहाँ से तो जॉब चली गई थी। देन जॉनसन को द डेली टेलीग्राफ में जॉब मिल गई, जहाँ उन्होंने एज अ रिपोर्टर एंड एडिटर काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने यहाँ पर 1989 से लेकर 1999 तक काम किया। फिर 1994 में ही बिगैन राइटिंग अ पॉलिटिकल कॉलम फॉर द स्पेक्टेटर, अ वीकली मैगजीन। फिर एक स्पेक्टेटर करके वहाँ पे वीकली मैगजीन चला करती थी, या अभी भी चला करती होगी, आई डोंट नो यूके का, तो उसके लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल कॉलम लिखना स्टार्ट किया। अब जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, हर संडे को उसके साथ एक मैगजीन आती है द ब्रंच करके, तो वैसे ही यहाँ की भी, यूके की भी, ये द डेली स्पेक्टेटर ये हफ्ते में सिर्फ एक बार आती है, तो इसमें जो पॉलिटिकल कॉलम था जहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें बेसिकली डिस्कस की जाती होंगी, जो भी करेंटली वहाँ चल रहा होगा, तो उसके ऊपर इन्होंने ये लिखा करते थे। फिर 5 साल बाद इन्हें मैगजीन का एडिटर अनाउंस कर दिया गया। इन्होंने इस पोस्ट को 2005 तक होल्ड किया। अपने करियर में एज अ जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन जॉनसन ने कई सारे बुक्स लिखी। अब बात कर लेते हैं जॉनसन के पॉलिटिकल करियर के ऊपर। तो जॉनसन ने पहली बार पार्लियामेंट में सीट के लिए इलेक्शंस कंटेस्ट किए 1997 में, जो कि वो हार गए थे। बट उसके बाद वो काफ़ी ब्रिटिश टॉक शोज में आने लगे एंड बाय दैट टाइम जॉनसन काफ़ी फेमस हो गए थे, जिसकी वजह से 2001 में जब उन्होंने दोबारा कंटेस्ट किया इलेक्शंस, तो वह जीत गए एंड उसके बाद उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती ही चली गई। देन 2007 में इन्होंने लंदन की मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शंस कंटेस्ट किए एंड ये जीत गए बहुत ही स्लिम मार्जिन से। लेकिन जब ये बन गए एक बार मेयर, तो उनके दिमाग में कोई ऐसा खास प्लान नहीं था सिटी को लेकर, और बेसिकली इनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे ये पॉलिटिकली थोड़े से और इन्फ्लुएंशियल बने, और ये कैसे मतलब एक बड़े नेता के तौर पर कैसे उभर सकते हैं, वो था इनके दिमाग में। बट फिर 2012 में ये दोबारा रीइलेक्ट हो गए। फिर से 2015 में दोबारा ये पार्लियामेंट में चले गए एंड उसके बाद इन्होंने मेयर की जो इलेक्शन थी उसे दोबारा कंटेस्ट नहीं किया। नाउ 2016 में जब ब्रिटिश वोटर्स से पूछा जा रहा था कि वेदर टू स्टे इन द यूरोपियन यूनियन और नॉट, यूरोपियन यूनियन आपको पता ही होगा 26-27 देशों का एक ये जुट है, पहले यूके भी इसका हिस्सा हुआ करता था, जो ब्रेक्जिट वाला जो टॉपिक नहीं था तो वो यही वाला था। ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है, अगर आप मतलब उसको अगर आप उसका संधि विच्छेद करें, ब्रेक्स प्लस एग्जिट हो गया ना, मतलब ब्रिटेन एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ये था उसका असल मतलब, ठीक है। तब जॉनसन लाइक बाकी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ वाज अ सपोर्टर ऑफ द लीव कैंपेन, मतलब ये भी चाहते थे कि ब्रिटेन को निकल जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। उसके बाद जब वोटिंग हुई तो 52% ऑफ द वोटर्स ने लीव कैंपेन को चूज किया। देन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ने रिजाइन कर दिया एंड थेरेसा मे पीएम बन गई एंड उन्होंने बोरिस जॉनसन को अपना फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया। फॉरेन सेक्रेटरी जैसे हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, जैसे एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर को ये लोग फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं। बट जॉनसन इनकी यूरोपियन यूनियन से एक्टेड होने वाली डीलिंग, या आप कह सकते हैं कि इनकी हैंडलिंग्स को लेकर इस टॉपिक पे, उससे वह सहमत नहीं थे, तो उन्होंने जुलाई 2018 में रिजाइन कर दिया एज फॉरेन सेक्रेटरी। देन इन 2019 थेरेसा मे ने भी रिजाइन कर दिया अपनी पीएम की
वो से एंड उसके बाद वो केयर टेकर पीएम रही अंटिल कोई नया पीएम उनकी पार्टी का इलेक्ट जब तक ना हो जाए। जैसे आज केस बोरिस जॉनसन के साथ ना, जब तक नया कैंडिडेट नहीं उनको पार्टी को मिलेगा जो भी सूटेबल होगा तो तब तक वही रहेंगे, तो वही केस थेरेसा मे के साथ भी था। नाउ जुलाई 2019 में जॉनसन बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब इन्हें इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड, कोविड जो था वो बहुत तेजी से फैल रहा था यूके में और इससे काफ़ी लोग बीमार हुए इंक्लूडिंग जॉनसन हिमसेल्फ। और गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल सेट किए इसे कंट्रोल करने के लिए, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी एंड मास्क पहनना कंपलसरी था। जॉनसन और उनके जो कई मेंबर्स थे पार्टी के, उन्होंने इन रूल्स को ब्रेक किया जिसकी वजह से उन्हें फाइन भी किया गया। तो ये तो इनिशियल चैलेंजेस थे। अब हम आगे जानते जाएंगे कि क्यों वो कारण वो बने, क्या वो कारण थे जिनकी वजह से पीएम की पोस्ट से अब इन्हें रिजाइन करना पड़ गया। अब जहाँ तक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की बात है, तो ये शुरू होती है जब उन्हीं के पार्टी के मतलब जो उन्हीं का कैबिनेट था उसी के 6 मंत्रियों ने एक के बाद एक इस्तीफे देने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जिनका नाम आता है वो है ऋषि सुनक। ये एक इंडियन ओरिजिन एक व्यक्ति है जो कि इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के ये सन इन लॉ है। तो यहाँ पर इनकी कैबिनेट में ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं इंडिया, वहाँ ट्रेजरी बोलते हैं, तो ये उस पोस्ट पर सर्व कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। फिर इनके पीछे पीछे एक साजिद जावेद करके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो हेल्थ मिनिस्टर है। और ऐसे ही 6 मिनिस्टर्स ने, जिसमें कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, बाल विकास मंत्री हो गए, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर, तो इन सब ने एक एक करके इस्तीफे देने शुरू किए। अब इसका क्या मतलब है इस्तीफे देने का, ये क्यों दे रहे थे? बेसिकली ये इसलिए दे रहे थे क्योंकि इनको अब भरोसा नहीं था बोरिस जॉनसन की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या जैसे वो देश चला रहे थे उनकी पॉलिसीज उनकी नीतियां जो थी उनके, ये लोग काफी अगेंस्ट में हो गए थे। अब आप सोचिए, जब एक प्रधानमंत्री जिसका अपना कैबिनेट उसकी फेवर नहीं करता, उसको जब भरोसा नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी कितना मुश्किल होने वाला आने वाला समय। एक वो सरकार कैसे चलाएगा, देश को कैसे रन करेगा, वो भी इतना बड़ा देश जिसका इतना नाम है, वीटो पावर जो यूएन की है उसके अंदर इसका नाम आता है यूके का। तो आप इस देश की इंपॉर्टेंस समझें, तो उस हवाले से ये बहुत बड़ा एक झटका था बोरिस जॉनसन को, और यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ। अब ऋषि सुनक ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बोला कि कंट्री में जो मंदी आई ब्रेक्सिट के बाद, जो भी बैकलैशेज आए और यूक्रेन वॉर के अंदर कंट्री का जो भी भूमिका थी उसको लेकर मैं अपने आप को आंसरेबल नहीं पाता हूँ। इन शॉर्ट इनका कहना यही था बस कि ये वहाँ से अपने पद से इस्तीफा ले रहे हैं। अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ ये एक्चुअली कोई मनमुटाव को लेकर हुआ बिटवीन बोरिस जॉनसन एंड ऋषि सुनक। अब हुआ यूँ कि हम सबको, मैंने आपको बता दिया है कि जब ऋषि सुनक है वो इंडियन ओरिजिन आदमी है, प्लस अभी तो वो सिटीजन है यूके के, लेकिन जो उनकी वाइफ है वो है नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति। तो मैंने आपको बताया वो इन्फोसिस के जो मालिक है, तो उनके ये दामाद हो गए ना। तो अब यहाँ पे था क्या कि हम सबको पता है कि जो यूरोपियन देश थे जिसमें यूके भी है और अमेरिका सहित, ये सब एक हो गए थे और ये विरोध कर रहे थे रशिया का, जिसकी वजह से इन लोगों ने कई सारे सैंक्शंस लगाए हुए थे। सैंक्शंस को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो ये होता है कि जब किसी देश के ऊपर ये सैंक्शंस लगते हैं तो आप उसके साथ डीलिंग नहीं कर सकते, ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते। बट हम सबको पता है कि रशिया इंडिया का कितना अच्छा दोस्त है, उसी की वजह से इंडिया ने इन सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया से डीलिंग उनकी चली रही है, जो उनका पेट्रोल जो क्रूड ऑयल था वो इंडिया में आ रहा है वगैरह वगैरह, बहुत किस्म की डीलिंग अभी भी चल रही है, इंडिया नहीं रुका है। तो इसमें जो रशिया में जो इनकी इंफोसिस की एक ब्रांच थी, जो मतलब उनका जो मतलब इंफोसिस जो रशिया के अंदर है उसकी जो मालकिन है वो है ये अक्षता मूर्ति। तो आप समझ रहे होंगे कि या टैक्स जो कंपनी का जो भी रेवेन्यू होगा, या तो आप अपनी होम कंट्री में उसका टैक्स देंगे या जिस कंट्री में आपने कमाया उसके अंदर टैक्स देंगे। तो इस केस में आप समझिए, इन पर कई सारे ऋषि सुनक के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे कि जहां पर आप बातें करते हैं टैक्स बढ़ाने की, वहीं पर अगर आप देखें तो आपकी वाइफ भी तो कंट्री के अंदर कोई टैक्स वगैरह पे नहीं कर रही, वो पे करती है इंडिया में। तो थोड़ा सा इसको लेकर वो भी उनके पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन फिर जब इसमें बातचीत उठी तो जो इनकी वाइफ थी अक्षता मूर्ति, उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रॉब्लम नहीं है कोई, वो ब्रिटेन में भी या मतलब कह सकते हैं यूके के अंदर भी टैक्स इसका पे करेंगी जो भी वो कमाती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अकाउंट्स के टर्म्स में देखें तो यहाँ बनता नहीं है यूके में कोई भी टैक्स पे करना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो वो इंडिया की ही सिटीजन है, यूके से यूके की सिटीजन है नहीं। तो आप जब किसी कभी भी टैक्स पे करते हैं आप या तो अपने होम कंट्री को पे करते हैं वो टैक्स, मेरे को फिर से बता रहे हैं बात, आप अपने होम कंट्री को पे करते हैं
या आप पे करते हैं उस कंट्री में जिसमें आपने ये कमाया हो पैसा। तो लेकिन जब ये सारे आरोप उन पर उठ रहे थे उस टाइम बोरिस जॉनसन थे जो थे वो साइलेंट थे इस मुद्दे को लेकर। यहाँ पे ऋषि सुनक कुछ मतलब डिफेंस मतलब उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ उनको डिफेंड करेंगे, बट यहाँ पे उनका कोई बहुत साइलेंट रहा रोल था, उनने कुछ बोला ही नहीं, तो मनमुटाव यहीं से चालू हो गया। अब पीछे पीछे जो इनके हेल्थ मिनिस्टर थे साजिद जावेद, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब जो दूसरा रीजन था वो यह था कि इनकी पार्टी में एक क्रिस पिंचर नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, या मतलब अभी भी है वो, तो वो एक MP हैं और उनके जो है बहुत ही करीबी रिलेशन है बोरिस जॉनसन के साथ। तो अगर मैं आपको थोड़ा इसकी ब्रीफिंग दे दूं क्रिस पिंचर के बारे में, तो अभी तक इन पे 6 से भी ज़्यादा सेक्स स्कैंडल्स के केस इन पे लग चुके हैं। तो इनकी इमेज वैसे ही बड़ी ख़राब है मतलब कंट्री के अंदर। प्लस हुआ क्या कि अभी फरवरी में हाल ही में बोरिस जॉनसन ने इनको अपना उप मुख्य सचेतक यानी कि डेप्यूटी चीफ विप बना दिया। अब चीफ विप क्या होता है, विप उस आदमी को कहते हैं जो जिसकी बात पूरी पार्टी सुनती है, मतलब अगर बोलेंगे इसको वोट दो तो वही होगा, उसी को वोट दिया जाएगा, और जो भी वो डिसीजन जो भी वो चाहेंगे कि मतलब सही हो या गलत, मतलब वो उनको बेसिकली गाइड करेंगे। तो इस केस में इनको प्रायोरिटी दी जाती है इनकी बातों को, एक विप की बातों को बेसिकली। तो ऐसे आदमी को यहाँ तो पहले क्रिस पिंचर को इन्होंने बना दिया डेप्यूटी चीफ विप। अब इसके बाद होता क्या है कि 2019 में इन पे ये आरोप लगते हैं कि इन क्रिस पिंचर के ऊपर कि एक ही रेस्टोरेंट के अंदर गए थे जहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी या कुछ, तो उसमें इन्होंने 2 आदमियों के साथ अश्लील हरकतें की, तो इसका फिर ये बात रिपोर्ट की गई और फिर उसके तहत इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। अब आप सोचिए कि एक PM के अगर ऐसा आदमी से संबंध रहेंगे तो वो कैसा मैसेज देगा आपकी कंट्री की जनता को, या ओवरऑल भी कैसा मैसेज जाएगा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब पूरे लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी पोस्ट आपने एक ऐसे आदमी को उसको बैठा रखा है। तो ये बहुत ही एक गलत मैसेज जा रहा था पूरे देश में, और इसी की वजह से जो ऋषि सुनक थे और बाकी के जो उनके बचे 5 जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने यही बोल के अपने ओहदों से भी इस्तीफा, दूसरा उनके जो और रीजन थे कि क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनमें ये भी था कि इनके होने की वजह से पार्टी का और पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा अपना दिया। फिर उसके बाद बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि आई रिग्रेट मेकिंग हिम द डेप्यूटी चीफ ऑफ द कंट्री, बट फिर इन बातों को ही मतलब रह नहीं जाता क्योंकि अब टाइम बहुत आगे जा चुका था और अभी काफ़ी लेट हो चुका था, जो गलती ये कर चुके थे काफ़ी देर में इनको जाके रियलाइज हुई। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बोरिस जॉनसन की जो सरकार है वो गिर चुकी है, गिरना इन द सेंस यहाँ पे ये नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी सरकार ही गिर गई है। मान लीजिए जैसे कंजर्वेटिव पार्टी अभी लीड कर रही है, इसमें इंग्लैंड में 2 मेजर पार्टीज हैं, जो UK है उसमें 2 मेजर पार्टीज हैं, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है दूसरी लेबर पार्टी है। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी कंजर्वेटिव पार्टी ही गिर गई है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो गिर ही नहीं सकती क्योंकि उसने जो इलेक्शन से जो रिजल्ट था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, मतलब उनकी मेजोरिटी की सरकार है। एक क्या होता है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है। कोलिशन में क्या होता है कि आपके पास जो लीडिंग जो पार्टी होती है जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, लेकिन उसके इतने भी वोट नहीं होते कि वो सरकार बहुमत की सरकार बना रहे, जिसमें क्या चीज़ होता है 50% + 1 सीट, मतलब 50% + 1 सीट चाहिए होती है एक सरकार बनाने के लिए। ठीक है, जैसे इंडिया में 543 सीट्स हैं तो मेजोरिटी मार्क जो आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है वो 272 सीट्स चाहिए होती है। तो यहाँ पे इनके पास मेजोरिटी की तो सरकार है, वैसे गिरने का कोई मतलब ही नहीं, सरकार बाहरी पार्टी के बाहर से इनकी सरकार कोई नहीं गिरा सकता। लाइक जैसे कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कहते, कोलिशन मेंबर्स के साथ आपका अगर कुछ अनबन हो गए तो वो भी बैकआउट कर जाएंगे, तो आपका फिर क्योंकि मेजोरिटी मार्क से फिर आप शॉर्ट हो जाएंगे, तो तब सरकार पूरी पूरी डिजॉल्व होने का रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बोला गया कि 5 सितंबर को नया प्राइम मिनिस्टर पता चल जाएगा कौन है UK का, लेकिन तब तक जो है बोरिस जॉनसन ही इस पोजीशन को होल्ड करेंगे और वही कंट्री को अभी तो लीड करेंगे। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कुछ इसमें जो प्रतिनिधि हैं, मतलब कुछ जो पार्टिसिपेंट मतलब कह सकते हैं जो बनने के दावेदारी रखते हैं, उसमें ऋषि सुनक का नाम टॉप में, फिर लीज ट्रस का नाम है, जेरेमी हंट का नाम है, बेन वॉल पेस का नाम है, नदीम जहावी का नाम है, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं सबका नाम है, लेकिन इनका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इलेक्शन का वो हमारे स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग होता है। लाइक हम क्या करते हैं, हमारे कंट्री में डायरेक्टली प्रधानमंत्री को चुनने के लिए इलेक्शन नहीं होता, हम किसी MP को जाके चुनते हैं अपने एरिया से, एक काफ़ी सारे जो सांसद होते हैं वो खड़े होते हैं तो उनमें से कोई एक जीतता है, तो वो फिर जाके डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री लीडर कौन होगा सबका, वही जाके प्रधानमंत्री बनता है। इनका थोड़ा डिफरेंट है,
उसमें हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है इसमें अलग अलग राउंड्स के अंदर इनके इलेक्शन होते हैं, जिसमें कि लास्ट में दो ही कैंडिडेट बच जाते हैं, जिसमें फिर देखा जाता है किसके सबसे ज्यादा वोट्स हैं। तो अभी तक जो चल रही है जो एग्जिट पोल आप कह सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस जितने इतने राउंड हो चुके हैं इलेक्शंस के, उसमें तो अभी ऋषि सुनक ही लीड कर रहे हैं, और माना भी यही जा रहा है कि वही, मतलब मेरा जहाँ तक अनुमान है, अब मैं कह नहीं सकता लास्ट मोमेंट में कुछ ऊपर ऊंच नीच का, तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ऋषि सुनक ही बनेंगे अगले पीएम ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा यूके का पॉलिटिकल क्राइसिस और क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। टिल देन किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।